नमस्कार दोस्तों, एलपीजी गैस वाला मेरे घर में अभी अभी आया था। अब हो सकता है कि आपके घर में पहले आ चुका हो या फिर कुछ दिन के बाद आने वाला हो, और जब भी वो आएगा तो मैंडेटरी इंस्पेक्शन बोल के आपके गैस सिलेंडर का और जो चूल्हा होता है उसको चेक करेगा, और चेक करने के बाद 236 रुपये का चार्ज करेगा। और यह चार्ज सुन के अगर आप उससे चेक नहीं करवाते हो या फिर आप ये जो चार्ज है नहीं देते हो तो आपको वो धमकी देगा और बोलेगा कि आपका जो गैस कनेक्शन है वो कट कर दिया जाएगा। और इस प्रकार की धमकी उसने मुझे भी दिया था। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। और इसके बाद से एक दिन गैस वाला आता है और इस प्रकार का पैम्पलेट मेरे घर पे देके चला जाता है। इसके बाद से मैं इसको उठाता हूँ और रीड करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैं जो मेरी गैस एजेंसी का नाम है इस पर प्रिंट रहता है। इसके बाद से जो जांच करने वाले बंदे आने वाले हैं उसकी फ़ोटो, उसका नेम एंड उसका मोबाइल नंबर इस पर प्रिंट रहता है। तो बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो नेम दे रखे हैं आप केवल उन्हीं से जांच करवाइए, आप अलग से कोई भी किसी से भी जांच नहीं करवा सकते। इसके बाद से यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, मैं आपको एक दो पॉइंट पढ़ के सुना देता हूँ। इस पर यही लिखा हुआ है कि हर एक 5 साल में एक बार जाँच करवाना ज़रूरी है, जिसका 236 रुपये चार्ज होता है। इसके बाद से लास्ट वाली लाइन आप यहां पर देख सकते हो, जिसको पढ़ के मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तो इस पे लिखा हुआ है कि जो बंदा चेक करने के लिए आएगा, अगर आप चेक करने में उसका सहयोग नहीं करते हो तो कंपनी को ये अधिकार है कि आपकी जो गैस सप्लाई है उसको रोक सकते हैं। इसके बाद से इसका जो जिम्मेदार है आप स्वयं होगे। तो आप देख सकते हो एक प्रकार से इस पर धमकी लिखी हुई है। और इसके बाद से दूसरे दिन बंदा मेरे घर पर पहुंच जाता है और बोलता है कि मुझे चेक करना है। तो मैं बोला कि कोई बात नहीं, चेक कर लीजिए, लेकिन फ्री में करोगे या फिर इसका चार्ज लोगे? तो वो बोलता है कि 236 रुपये चार्ज होगा, इसके बाद से हम आपको पूरा लिख के और एक स्लिप दे देंगे। तो मैं बोला कि नहीं, मुझे तो चेक नहीं करवाना है और ना ही मुझे एक रुपये देना है। इसके बाद से वो बंदा वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते बोलता है कि अगर आप चेक नहीं करवाओगे तो आपका जो गैस कनेक्शन है वो कट कर दिया जाएगा। तो मैं बोला कि कोई बात नहीं, अगर आपको कट करना है तो कट कर दीजिए और जो होगा बाद में तो देखा जाएगा। इसके बाद से वो बंदा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद से दूसरे दिन सुबह सुबह गैस एजेंसी से मुझे फ़ोन आता है कोई अधिकारी का। वो अधिकारी बोलता है कि हमारा जो बंदा आया था चेक करने के लिए, आपने उससे चेक क्यों नहीं करवाई, आपने मना क्यों किया, इस प्रकार का उसने क्वेश्चन मुझसे करने लगता है। तो मैंने ही बोल दिया कि वो जो बंदा है मुझसे पैसे मांग रहा था 236 रुपये, इसलिए मैंने उसको मना किया। तो अधिकारी बोलता है कि बेटा, मुझे प्यार से समझाया कि हर एक 5 साल में ये जांच करवाना ज़रूरी है, इसके बाद से जांच करने के बाद आपको पूरी पूरी स्लिप मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं किया कि अगर तू नहीं कराएगा तो तेरा जो गैस कनेक्शन है वो हम यहाँ से काट देंगे, ऐसा उस अधिकारी ने नहीं कहा। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया और बोलता है कि ये मैंडेटरी है, करा लीजिए, कल के लिए अगर कोई दुर्घटना होती है तो इस वजह से आप क्लेम कर सकते हो, इस प्रकार से उसने मुझे समझाया था। और इसके बाद से मैं दोबारा से रिप्लाई करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर कल के लिए कोई दुर्घटना हो जाती है गैस की वजह से तो इसकी जो जिम्मेदारी है मेरी खुद की रहेगी, मुझे आपका एक रुपये भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं 236 रुपये का अभी तो कुछ भी नहीं करने वाला। तो मुझे दोबारा से रिप्लाई देता है कि मान लीजिए कि आपको तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके सिलेंडर फटने की वजह से अगर आपके पड़ोसी को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी क्या आप लेते हो या फिर नहीं लेते हो? इस वजह से मैं बोलता हूँ कि 236 रुपये ही चार्ज लगेंगे, आप ये सब करा लीजिए और आप बीमा में कवर रहोगे इस वजह से। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप अपने बंदे को भेज दीजिए। इसके बाद से जो बंदा आता है पूरा पूरा कम्प्लीटली चेक करता है। इसके वजह से बोलता है कि आपकी जो गैस की पाइप है वो तो पुरानी हो चुकी, मतलब मेरी प्लास्टिक वाली थी। इसके बाद से हुआ कि उसने जो प्लास्टिक वाली नली है उसको निकाल दिया और एक न्यू वाली लगाने लगा। तो मैंने बोला कि इसकी कितना चार्ज है? तो उसने बोला कि 190 रुपये, मतलब 190 रुपये। तो मैं बोला कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक न्यू वाली पहले से ही पेटी पैक रखी हुई है। तो मैंने वो वाली निकाला, इसके बाद से उसको दे दिया, तो बंदे ने फिटिंग कर दिया। इसके बाद से कम्प्लीटली फिटिंग करने के बाद ओनली 236 रुपये की इस प्रकार की पर्ची फाड़ा। इसके बाद से इस पर यस नो इस प्रकार का लिख के और मुझे दे दिया। मैंने तो चेक करवा लिया है, अगर आपके घर पे भी आते हैं तो आप भी चेक करवा लीजिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो कि वो लोग दरवाजे के पास तो आ जाते हैं और वो लोग किचन में नहीं जाते, मतलब आपका जो गैस सिलेंडर है उसको चेक ही नहीं करते हैं और बिना चेक किए आपकी इस प्रकार की रसीद फाड़ जाते हैं 236
₹36 की, तो ऐसे लोगों से आप सतर्क रहें। अगर वो मैंडेटरी है तो एक बार चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, इसके बाद से आप रसीद कटवा सकते हो। और अगर आपका कोई छोटा मोटा काम बाकी है तो आप उनसे करवा सकते हो, जैसे कि मैंने जो पाइप होती है गैस की नली उसको फिटिंग करवा लिया था, तो आप भी इस प्रकार से फ्री में करवा सकते हो।